मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपने अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ दही भल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसान है और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मैं ये दो तरीके से आपके साथ बनाऊंगी, एक गुजिया वाली और एक नॉर्मल ग्राउंड भल्ले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। भल्ले बनाने की भल्ले मैं बनाऊंगी, उड़द की दाल है ये, बिना छिलके की उड़द की दाल है। इसे आप 2 घंटे भिगो दीजिए। मैंने 1.5 कप उड़द की दाल को 2 घंटे के लिए इसे भिगोया हुआ है। आप 2 से 3 घंटे भिगो सकती हैं। और जो हमें भल्ले बनाने के लिए जरूरत, सबसे जरूरी चीज है दही। दही चाहिए, ये मीठी सौंठ है जिसे खट्टी मीठी इमली की चटनी कहते हैं, ये भी हमें बहुत जरूरी चाहिए होगी। साथ में भी भल्ले मसाला बनाएंगे हम, जो काला नमक, सफेद नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और भुना जीरा। भुना जीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है भल्ले बनाने के लिए। और अगर चाहें तो आप प्लेन भल्ले बना सकती हैं, नहीं तो मैं इसे थोड़ा सा काजू और किशमिश की स्टफिंग के साथ बनाऊंगी। और ये थोड़ा फ्लेवरिंग के लिए मैंने अदरक रखा हुआ है बारीक काट के। और हमें हींग चाहिए होगी। सबसे पहले हम भल्ले बनाने के लिए दाल को पीस लेते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम पानी के साथ हम पीसें कुत्ता पीसेंगे। तो अभी मैं दाल को पीस लेती हूँ। आप मिक्सर में पानी उतना ही डालें जितना कम से कम हमारी दाल को पीसने के लिए चाहिए हो। तो देखिए दाल हमारी पिस चुकी है, हमने इसको बारीक पीसना है, थोड़ा दरदरा नहीं रखना है कि एक आध दाना दरदरा हो कहीं कहीं, लेकिन ये दाल अच्छे से पिसी हुई हो, स्मूथ पेस्ट चाहिए हमें। तो चलिए इसे हम बर्तन में निकाल लेते हैं। आप इसे किसी चौड़े बर्तन में निकालिए ताकि जब हम इसे बीट करें तो अच्छे से ये फ्लफी हो जाए। मैंने बर्तन में निकाल लिया है और अब मैं इसे अच्छे से बीट करूंगी। और साथ ही आप जब आप भल्ले तलने हो आपने, दाल को आप तभी बीट करें, पहले बीट करके ना रखें। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून। और इसमें मैंने ये देखिए 1/2 टीस्पून मैंने हींग को पानी में घोल कर रखा हुआ था, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि कहीं मुंह में इकट्ठी हींग ना आ जाए। और इस हींग वाले पानी को आप भल्लों के पेस्ट में डाल दीजिए जो हमने दाल का पेस्ट बना के रखा है। और इसे भी आप अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें डाल दें अच्छे से, जो हमने बारीक काट के अदरक रखा हुआ था आप ये डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है भल्लों में। आप चाहें तो जब दाल पीस रही हो तो आप एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का डाल सकती हैं साथ पीसने के लिए, नहीं तो इस तरीके से बारीक काट के डालेंगी तो भी बहुत स्वाद लगता है। हमें एक बड़ा अच्छा सा लाइट सा फ्लफी सा बैटर बनाना है। और हमें इसमें सोडा या और कोई चीज नहीं डालनी है, उससे क्या होगा भल्ले बहुत तेल पी जाएंगे और एकदम से घुल जाएंगे दही में। हमें फॉर्म भी चाहिए, सॉफ्ट भी चाहिए, इसके लिए हम और सिर्फ नमक और हींग ही डालेंगे। बिल्कुल फ्लफी और अच्छा तैयार हो गया है। हम अब एक कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लेते हैं ताकि हम उससे डिप करके भल्ले बनाएंगे। और बीच बीच में मैं कहीं किशमिश और काजू भी रख दूंगी जिससे हमारे भल्ले थोड़े से स्टफ बनेंगे, छोटे छोटे स्टफ्ड भल्ले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं भल्ले। अब हम भल्ले तल लेते हैं। हम पहले हाथों को थोड़ा सा ऐसे पानी में डिप करेंगे, फिर आप कहीं भी आप किशमिश काजू इस तरीके से रख सकती हैं ताकि अंदर अच्छे से कवर हो जाए। तो आप बस हाथ गीला कीजिए, इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से कवर कीजिए बैटर में और यूं आप गोल भल्ले बना लीजिए। तो चलिए हमारा तेल गर्म है, अब मैं एक एक करके सारे भल्ले तल लेती हूँ। अभी भल्ले तल लेते हैं। आप चाहें तो काजू और किशमिश को आप सारा इकट्ठा मिक्स भी कर सकती हैं। आप एक छोटी सी बॉल उठाइए, ज्यादा बड़ा मत बनाइए क्योंकि फूल वैसे भी जाएंगे पानी में डालने के बाद। अब तल दें, तेल को आप इतना गर्म करें कि एकदम से फ्राइंग होनी स्टार्ट हो जाए, लेकिन बहुत गर्म ना हो कि तेल में से धुएं निकल रहे हो। और आप इसे इस तरीके से डाल दीजिए। आप इतना ध्यान रखें कि जो हम भल्ले बना रही हैं वो हम कम आंच पर फ्राई करेंगी। आप कोई भी चीज आप जब भी फ्राई करती हैं तेल का पहले गर्म होना जरूरी है। और जब हम फ्राई कर रहे हो तो आंच को आप कम कर दीजिए, फ्लेम लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिए, डिपेंड करता है आप क्या फ्राई कर रही हैं। अभी मैं भल्ले बना रही हूँ तो मैं इसे गरम तेल में डालने के बाद लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। ये ना हो कि ऊपर से क्रिस्पी हो और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। कभी हम भल्ला खाते हैं तो अंदर से सख्त रह जाता है, वो इस वजह से होता है कि हम कच्चे भल्ले निकाल लेते हैं और अंदर की दाल कुक नहीं हुई होती। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकती हैं, अगर जरूरी नहीं है कि आप इसमें काजू किशमिश या कोई स्टफिंग करें। आप अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इन्हें फ्राई होने में अभी 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। मैं पिछले 5 मिनट से भल्लों को कम आंच पर फ्राई कर रही हूं और अब मैं आंच बढ़ा देती हूं
ताकि भाई भल्ले तो पक चुके हैं, अभी इनका कलर भी अच्छा सा ब्राउन हो जाए, गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन। तो देखिए भाई भल्ले बनकर बिल्कुल तैयार है, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैं आपको गुजिया वाले भल्ले बनाने बताऊंगी। इसके लिए आप क्या करें, दाल को थोड़ा सा सख्त बीट करें। देखिए दाल इस तरीके से सख्त होनी चाहिए। आप इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लें बारीक, लेकिन आप इसे बाद में ना बीट करें, क्योंकि आप बाद में बीट करेंगे तो ये लाइट हो जाएगी, फिर गुजिया नहीं बनेगी। और मैंने थोड़ा सा स्टफिंग की हुई है। गुजिया वाले भल्ले क्या होते हैं, गुजिया की शेप में होते हैं, उसमें स्टफिंग होती है। ये थोड़ा सा सूखा नारियल का बुरादा है, यानी कि डेजिकेटेड कोकोनट है, थोड़े से कैश्यू नट्स हैं और एक थोड़ी सी रेजन्स हैं। आप इसमें अपनी पसंद का और जो ड्राई फ्रूट मिलाना चाहें मिला सकती हैं। आप उसके लिए शेप देने के लिए क्या करें, थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएं इस तरीके से, और थोड़ा सा बैटर इस तरीके से आप हाथ में ले लें और उसको फैला लें। और इसमें हम थोड़ा सा मसाला भरेंगे, हम 1 चम्मच के करीब इसमें इस तरीके से मसाला भरेंगे और इसको दबाते हुए हम कवर कर देंगे। अगर दाल सख्त होगी तो बड़े अच्छे से हमारी गुजिया बन जाएगी शेप में, नहीं तो ये रन होने की वजह से नहीं बनेगी। तो आप ये याद रखिए, बस दाल सख्त होनी चाहिए और इसको अच्छे से बंद कर दें। ये बड़े आराम से हमारे हाथ में, देखिए गुजिया की तरह भल्ला बन के तैयार हो गया। इस तरीके से हम बनाकर तल लेते हैं। इसे मैं तेल में डाल देती हूँ और आपको एक और बनाना बताती हूँ। आप हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरीके से थोड़ा सा बैटर ले लें हथेली पे। इस पे रखे जो हमने स्टफिंग, जो भी आपको चाहिए, नारियल, काजू, किशमिश, चिरौंजी, जो भी आप लगाना चाहें। मैं नारियल, किशमिश और काजू के साथ बना रही हूं। और इसे अच्छे से सील कर दीजिए, गुजिया की शेप दे दीजिए। आप चाहे तो सेलोफिन पेपर पे भी कर सकती हैं, लेकिन सेलोफिन शीट पे कर सकती हैं, लेकिन ये इस तरीके से बड़े आराम से बन जाता है अगर हमारा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही तरीके से भल्लों को तलकर निकाल लिया, एक एक गुजिया वाले भल्ले और एक जो हमारे आम भल्ले हैं। इन्हें मैं एक तरफ रख देती हूँ। अभी मैं इन्हें सोक करूंगी गर्म पानी में। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम दही को बहुत अच्छे से बीट कर लेते हैं। जब भी हम भल्ले के लिए दही इस्तेमाल करें तो उसमें कोई लम्ब्स नहीं होने चाहिए। और हम इसमें थोड़ा सा नमक, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हम इसमें डाल लेते हैं काला नमक, और थोड़ी सी लाल मिर्च हल्की सी रंग के लिए, बस आप एक पिंच समझिए। और इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोग चीनी डालना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो हम सौंठ डालेंगे भल्लों में, खट्टी मीठी चटनी, उसमें बहुत अच्छे से मीठा होगा, तो हमें चीनी की कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। अब हम थोड़ा सा भल्ले मसाला बना लेते हैं। भल्ले मसाला बनाने के लिए हमें थोड़ा सा हमें चाहिए नमक, थोड़ा सा काला नमक आधा आधा टीस्पून, और आधा टीस्पून ही आप काली मिर्च ले लीजिए, आधी टीस्पून ही आप लाल मिर्च ले लीजिए। और आप इसमें 2 चम्मच भर के, यानी कि 2 टीस्पून से 2.5 टीस्पून आप इसमें डाल दीजिए ये भुना हुआ जीरा। भुना हुए जीरे से ही ऑथेंटिक और अच्छा टेस्ट आता है। आप ये हमारा भल्ले मसाला बनके तैयार है। जब हम भल्ले सर्व करेंगे तो हम ये मसाला उस पर स्प्रिंकल करेंगे। अभी मैं इसे भी एक तरफ रख देती हूँ और हम अब भल्ले देख लेते हैं। मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, गर्म पानी है ये, और हमारे जो भल्ले हमने फ्राई किए थे ये लिए। अभी मैं इन्हें सोक करके इसमें से स्क्वीज करूंगी। आप इस तरह से भल्ले तल कर रख सकती हैं 5 से 7 दिन तक फ्रिज में, और जब आपने इस्तेमाल करने हो तो आप उसे गर्म पानी में डुबोकर स्क्वीज करके आप यूज में ले आए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे सर्व करेंगे। आप पहले पानी में थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और फिर ये भल्ले जो है इन्हें इसमें सोक कर दीजिए। आप देखिए कितने हल्के और लाइट बने, ये अच्छे से इसमें फ्लोट कर रहे हैं। हमें 5 से 10 मिनट तक सोक करके रखना होगा ताकि हमारे भल्ले जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो इन्हें मैं 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ और फिर मैं इन्हें स्क्वीज करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारे भल्ले बड़े अच्छे से सोक हो गए हैं। अब इन्हें हम इस तरह से प्यार से स्क्वीज करेंगे, हमें ज्यादा नहीं दबाना कि भल्ले टूट जाएं, और इन्हें हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इस तरीके से आप स्क्वीज कीजिए और भल्ले को निकाल कर रख लीजिए। अरेंज कर लेते हैं। मैंने सभी भल्लों को इस तरह स्क्वीज कर लिया और ये बड़े सॉफ्ट और ठंडे भी हो गए हैं। अब मैं पहले आपको गुजिया वाले भल्ले अरेंज करना बताती हूँ। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई चाट या भल्ले बनाएं तो आपके पास ये 2 चटनियां, स्पेशली जब आप भल्ले बनाएं तो ये मीठी इमली की चटनी होनी
इसे सूंट भी कहते हैं, बहुत जरूरी है, इसके बिना स्वाद नहीं आएगा। और ये हरी चाट वाली चटनी है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। इन दोनों की रेसिपीज के वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम थोड़ी सी दही डालते हैं। दही बिल्कुल देखिए क्रीम की तरह स्मूथ होनी चाहिए। इसमें मैंने नमक पहले से ही डाला हुआ है। तो इस तरीके से मैं गुजिया अरेंज करती हूँ। अब मैं इस पर दही फिर से डालूंगी। अब हम डालेंगे इस पे सौंठ। आप सौंठ अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकती हैं। आप सौंठ अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकती हैं, आपको कितना मीठा पसंद है। और साथ में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है जिससे कि ये भल्ले कंप्लीट होंगे, या भल्ले मसाला जो हमने भी बनाया था, ये इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। आप जब भी भल्ले सर्व करें, सौंठ और ये मसाला साथ में सर्व करें, जिसको एक्स्ट्रा लेना हो ले सकता है। और साथ में इस पे थोड़ा सा हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। हमारे भल्ले बिल्कुल तैयार है बनके। और चाट वाली चटनी, आपको खट्टी चटनी भी पसंद है तो आप वो भी कहीं कहीं डाल सकती हैं, जो कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ये भल्ले तो हमारे बनके तैयार हो गए हैं, और इसी तरीके से हम दूसरे भल्ले भी बनाएंगे। क्योंकि ये भल्ले छोटे हैं, इन्हें आप इस तरीके से दही में मिक्स कर लें। और इसे कर दें प्लेट में अरेंज, जिस भी प्लेट में आपने सर्व करने हैं। ये जो मीठी सौंठ है, और साथ में ये हमारा भल्ले मसाला। हरा धनिया, हरा धनिया बहुत सुंदर रंग देता है, देखने में बड़ा ही टेम्पटिंग लगती है किसी भी डिश पर अगर हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। और साथ में हमारी चाट वाली चटनी। और साथ में दोबारा से हम थोड़ी सी सौंठ डालकर इसको कर देते हैं गार्निश। तो लीजिए हमारे ये वाले भल्ले भी बनके तैयार हैं, और इन्हें मैं कर देती हूँ अच्छे से सर्व। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आपके लिए ठंडे ठंडे भल्ले। मैंने तो बना दिए हैं आपके लिए दो तरीके से। आप चाहे तो राउंड बना सकती हैं, या फिर आप इस तरीके से गुजिया स्टाइल बना सकती हैं। दोनों दोस्तों खाने में बेहद लजीज और एक से लगते हैं। आप इसे जो भी आपको ठीक लगे आप बनाएं। तो दोस्तों ये रेसिपी मैंने आपके लिए बना दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बनाना चाहेंगी। पर आप इस बात का ख्याल रखें, जब भी आप भल्ले बनाएं तो आप उसे मीठे सौंठ के साथ सर्व करें, नहीं तो ये इनकम्प्लीट रहते हैं। तो दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें।